보면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 끝이 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ, तो बने रहिए दोस्तों मेरे व्लॉग वीडियो पे। और आज हम जा रहे हैं, मतलब कोई एक टेंपल है जहाँ पे हम जाएंगे। और कढ़ाई दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो घर से गुलगुला होते हैं वो सब कढ़ाई बना के लेके जाएंगे और वहाँ पर ही खाना खाएँगे। तो यहाँ पर दोस्तों आलू छोला का सब्ज़ी बनाया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या खाने में बनाया है दोस्तों। वहाँ ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है हमने। और यहाँ पे टिंसी, आप जानते हो दोस्तों, ये टिंसी है, कोई टिंडा भी इसको बोलता है और कोई टिंसी भी बोलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये टिंसी की सब्ज़ी है और ये हमने मतलब पकौड़ी बनाई है, पकौड़ी और गुलगुला और ये पूड़ी। तो ये तो मतलब बनाया है और कुछ सामान तो हमने पैक भी कर दिया था और जितना लास्ट में बचा है मैं वो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बनाया है हमने बूंदी का रायता, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट है बूंदी का रायता। और इसके बाद में दोस्तों हम घर से ये सब सारा सामान लेके जाएंगे और वहाँ जाके खाना खाएँगे। मतलब जो कुछ लेके जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आता है, मतलब सारा सामान वहीं ही चढ़ा देंगे या किसी को दे देंगे, ऐसा होता है। तो दोस्तों हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये छोटा सा मेला भी लगता है और ये कैसर कमर जी का बोलते हैं, हमारे यहाँ एक मंदिर है यानी कि कैसर कमर जी का। और यहाँ पे मतलब नांग देवता, जो मतलब जैसे सांप है ना, सांप अगर किसी को काट लेता है तो मतलब इनके नाम से हाथ में बंद बांध दे, या ताती हमारे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, ताती बांध दे, तो मतलब उसका जहर नहीं फैलता है। मतलब ये यहाँ मंदिर की बहुत बड़ी पहचान है और एक्चुअली नांग देवता का ही मंदिर है ये टेंपल। मेरे तो रुआ खड़े हो रहे हैं ऐसे बातें करते हुए। और ये उसका ही टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ये राधा अष्टमी, जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ था उस दिन यहाँ पे मेला लगता है और सारे लोग आते हैं यहाँ पे नारियल चढ़ाने और गुलगुला चढ़ाने, यानी कि कढ़ाई चढ़ाने, ऐसा है। यहाँ पे नारियल तो चढ़ाने आती ही है सब लोग, तो यहाँ पे कई सारे लोग पूरी फैमिली से आते हैं और कई सारे लोग एक लोग जाके नारियल चढ़ा के आ जाते हैं। तो हम पूरी फैमिली से गए थे क्योंकि दोस्तों हम हमेशा पूरी फैमिली से जाते हैं। ये है उस टेम्पल और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है और देख लीजिए, बने रहिए दोस्तों मेरे ब्लॉग वीडियो पे। और ये जो पंडित जी हैं ना, ये झाड़ा दे रहे हैं दोस्तों, इनके ऊपर नांग देवता आते हैं, सिर्फ नांग देवता के जैसी ही करते हैं, आप देख लेना मेरे ब्लॉग वीडियो में। और ये नांग देवता के जैसी ही लौटते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसे स्नेक नहीं टेढ़ा मेढ़ा होता है वैसे ही होते हैं। और यहाँ पर गेहूँ नारियल लोग आते हैं तो इतना सारा इनका टंकी भर गई है, सब लोग ऐसे गेहूँ लेके आते हैं और नारियल। उसके बाद में दोस्तों ये पीछे का कुछ इस तरीके का मंदिर है और यहाँ पे ये नारियल देखिए सांप बने हुए हैं ना, नांग देवता का ही टेंपल है ये। और यहाँ पे नारियल सब लोग चढ़ा रहे थे, तो ये मशीन रखी है कि नारियल फोड़ने में लोगों को दिक्कत होती है तो इसमें दाबा और नारियल फूट जाएगा और सब लोग, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। सब लोगों के दो लोग लगे थे मशीन पे, सबको फोड़ फोड़ के नारियल दे रहे थे, वो चढ़ा रहे थे। और दोस्तों हमने यहाँ पे चढ़ा दिया था और हम इसके बाद में परिक्रमा लगा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें, सिर्फ एक दिन का ही मेला लगता है और सुबह से 5-6 बजे तक लोगों की भीड़ रहती है, कोई सुबह की भी जाता है, कोई शाम की भी जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यह है कैसर कंवर जी का मंदिर, नांग देवता का धाम वो लिखा है, देख लीजिए आप। और यहाँ पे ये जोत एनी टाइम मतलब चलती है, बहुत अच्छा मंदिर है। कोई भी सांप कट कर लेना तो मतलब वो आदमी जिंदा बच जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, उनके नाम से बस हाथ में बंद बांधना पड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों उनके ऊपर नांग देवता आ रहे थे और एक के नांग देवता आए थे, वो बहुत ज़्यादा आए थे, मतलब सर पटक पटक के ऐसे घूम रहे थे। तो देखते रहना दोस्तों,
वीडियो पे। और यहाँ पे सारे लोग जयकारा लगा रहे थे बहुत तेजी तेजी से, केसरिया कमर जी की जय, ऐसे जयकारा लगा रहे थे। देखिए दोस्तों, उनका नांग देवता आ गए हैं, वो लौटते हुए वो आस में जाएंगे मंदिर के पास में। और उसके बाद में दोस्तों, मतलब ये देखिए, इनके भी नांग देवता आ गए थे, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा आए थे और ये तो पटक ही रहे थे, पूरा सर पटक पटक के वो कर रहे थे। और मतलब देखने में बहुत डर लग रहा था मुझे तो, लेकिन फिर भी वीडियो किया। देखिए कैसे उछल उछल के पड़ रहे हैं ये। और ये सत्य का देवता है, यानी कि सत्य घटना है यहाँ पे। मतलब जो उसकी भी मतलब सांप काट ले तो यहाँ पे इनके नाम से ही हाथ में बंद बांध दे तो उसके जहर नहीं फैलेगा वो। फिर चाहे दो दिन के बाद में इनके स्थान पे जाए ना तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं होगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम आ गए थे दोस्तों, ये हम सब लोग खाना खा रहे थे, मैंने बोला था ना जो लेके आए थे हम खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, छोला की सब्जी, गुलगुला, पकौड़ी, पूड़ी, रोटी और मिर्ची की सब्जी बनाई थी। और ये बूंदी के रहता, ये सब खाने की चीज़ें हैं। हमने सब टिफ़न बॉक्स खोल दिए थे, अब सब लोग हम खाना खा रहे थे। और दोस्तों ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे दोस्तों मेला से हम जाके आ गए थे तो बच्चों से मैं पूछ रही थी आप क्या क्या लेके आए थे, तो ये बताइए किसने बचपन में ये अभी तक ये कौन मतलब ऐसे बैलून फुलाता है इससे। मैंने तो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पास में एक मतलब बैठी थी वो लेके आई थी ये, तो मैंने कहा तू फुला और मैं इसका वीडियो बनाऊंगी तो वो फुला रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे सब चीज़ें बहुत पसंद हैं इसलिए मैं यहाँ पे इसका वीडियो बना रही थी। वो बार बार के फूल के जा रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था और वो भी ऐसे खेल रही थी। और मैं सब बच्चों से पूछ रही थी तुम क्या क्या लेके आए हैं, तो कोई बोल रहा था मैं ये लेके आया हूँ, ये देखिए कोई बॉल लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है, सारे बच्चे थे। क्योंकि मेला में जाते हैं बचपना तो बचपना ही होता है, बच्चों का तो ये सारी चीज़ों का शौक़ रहता है। तो यहाँ पर ये बैठी थी कृष्णा और ये लेके आए थे, यहाँ पर सारे ये बच्चे बैठे हैं, सब छोटी मोटी चीज़ें बच्चों से मेले से लेके आए हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा मोबाइल है, बताना कौन कौन लेके ऐसे को गेम खेला है। मैं इस मोबाइल में मतलब 9th क्लास के में थी तब भी मैं मेले से ये मोबाइल लेके आई थी, अच्छैया छैया वाला गाना सुनती थी। और इसमें एक ये सॉन्ग आता है, खाई के पान बनारस वाला, ये वाला सॉन्ग इसमें आता है, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग लगता है। और यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे। और बाय बाय गैज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, मिस यू ऑल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट।